Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि गाइस जो कि अभी WWE का जो गाइस रेसलमेनिया 40 का प्रीमियम लाइव इवेंट है गाइस, वो अभी फिलहाल गाइस ठीक एक ही महीना दूर है और हमको एक महीने में दिखने वाला है WWE का रेसलमेनिया 40 का प्रीमियम लाइव इवेंट गाइस। जैसे कि आपको पता है कि जो कि हमारे WWE वाले है गाइस, वो ये प्रीमियम लाइव इवेंट ऑफ रेसलमेनिया उसको हाइप कर रही है एज द बिगेस्ट WrestleMania of all time और definitely biggest हो सकती है, since आपको पता है कि हमारे जो कि the people's champion the Rock है guys, वो भी हमको ये premium live event में show up करते हुए दिखने वाले हैं। So guys, आज के इस fresh episode में हम लोग बात करने वाले हैं तीन बड़े surprises जो कि हमको ये premium live event में देख सकते हैं और shock कर सकते हैं। So guys, पूरा detail जानने के लिए ये video को आखिर तक देखें क्योंकि आज की video बहुत interesting होने वाली है। अगर आप WWE के बहुत ही बड़ा वाले फैन हो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। सो गाइज, नंबर थ्री पे तो हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं हमारे एक बहुत ही बड़े चैंपियनशिप मैच के बारे में जो कि होने वाला है फॉर द WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप बिटवीन चैंपियन द सोशल मीडिया मेगा स्टार लोगन पॉल वर्सेस द 14 टाइम WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन द वाइपर लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन। गाइस डेफिनेटली हम लोग कार्स पे देखते हैं तो लोगन पॉल वर्सेस रैंडी ऑर्टन एक बहुत ही बड़ा मैच है, सिंस गाइस हमको पता है कि लोगन पॉल ने गाइस तब से WWE में उनका पूरा एक फुल टाइम रन चालू किया है रेसलमेनिया 38 से, तब से उन्होंने दो बड़े स्टार्स को फेस किया है बिफोर रैंडी ऑर्टन जो कि है गाइस हमारे सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस। अभी रैंडी ऑर्टन एक बड़े चैलेंज होने वाले हैं गाइस, ये मैच कोई नॉर्मल मैच नहीं होने वाला क्योंकि इसमें ऑनलाइन होने वाली है लोगन पॉल की यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। अभी हम एक पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं कि अगर ये मैच में रैंडी ऑर्टन यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बनके निकलते हैं तो एक बहुत ही बड़ा फायदा WWE वालों के लिए ये बनता है कि गाइस उनको एक फुल टाइम US चैंपियन मिलेगा। कैसे कहूंगा गाइस, लोगन पॉल के तो इतना रेसल नहीं करते हैं जितना हम लोग एक मिड का चैंपियनशिप ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं, और जो रैंडी ऑर्टन है गाइस, हां गाइस वो मतलब समझो गाइस महीने में 3-4 बार तो रेसल कर ही लेते हैं और उतने ही स्मैकडाउन के शोज होते हैं मोस्टली, तो गाइस रैंडी ऑर्टन गाइस हमको एक फुल टाइम रन देते हुए देख सकते हैं एज द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। आपको जैसे कि पता है कि गाइस अभी जो स्मैकडाउन का जो शोज है गाइस वो थोड़े फीके जाते हैं तभी रोमन रेंस नहीं होते हैं, और तभी ही गाइस शो को कैरी करते हैं हमारे रैंडी ऑर्टन फिर ऐसे बड़े स्टार्स बाकी के केविन ओवेंस वो सब। लेकिन गाइस अगर रैंडी ऑर्टन के पास यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप आ जाती है तो गाइस तभी रोमन रेंस शोज पे नहीं रहेगा, बिकॉज हमको फिर एक थोड़ा एक अलग ही मजा आ जाएगा जैसे कि रैंडी ऑर्टन हमको एक ओपन चैलेंजेस करते हुए देख सकते हैं जैसे जॉन सीना करते थे तभी वो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बने थे 2015 में। जॉन सीना ने इतने अच्छे अच्छे चीजें किए थे तभी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के साथ कि लोग आज तक वो चीजों के बारे में बात करते थे। पॉसिबली गाइस हमको कि हमारे गाइस रैंडी ऑर्टन गाइस लोगन पॉल को डिट्रॉन करते हुए दिखने वाले हैं फॉर द WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया 40, और हमको हमारे एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन बनते हुए दिखने वाले द न्यू WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। गाइस नंबर टू पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही बड़े टैग टीम मैच के बारे में जो कि रेसलमेनिया 40 के नाइट वन में हो सकता है पॉसिबली, जहां पे जो कि हमारे द पीपल्स चैंपियन द रॉक पॉसिबली टीम अप करते हुए देख सकते हैं हमारे अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन द ट्राइबल चीफ द हेयर ऑफ द टेबल रोमन रेंज के साथ, और वो फेस करते हुए देख सकते हैं एक बहुत ही बड़े जोड़ी को जहां पे रहेगा हमारे करेंट द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ फ्रीकिंग रॉक, और उनके पार्टनर रह गए मैच में दी अमेरिकन नाइट में रॉयल रंबल 2023 एंड 24 विनर कोडी रोज। गाइस जैसे कि द रॉक ने गाइस स्मैकडाउन के एपिसोड में बोला था कि गाइस अगर जो ये टैग टीम मैच में अगर जो रोमन रेंस और रॉक जीतते हैं तो जो रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोज का मैच रहकर रेसलमेनिया 40 में फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप गाइस वहां पे गाइस वो एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच हो जाएगा, और जो कि गाइस ब्लड लाइन है गाइस वो मैच में पूरा इन्वॉल्व रहेगी। लेकिन अगर जो गाइस ये मैच में हमको सेथ रॉलिंस और कोडी रोज गाइस जीतते हुए दिखते हैं तो गाइस पॉसिबली ये मैच में गाइस हमको जो कि कोडी वर्सेस रोमन होगा नेक्स्ट नाइट पे पूरा चैंपियनशिप वहां पे गाइस हमको ब्लड लाइन बैन होते हुए दिखने वाली है, ना सिर्फ गाइस वो रिंग से पूरे अरीना से जिसमें द रॉक भी इंक्लूडेड है। तो इसलिए गाइस ये तो स्टिपुलेशन ये मैच में बहुत ही WWE ने एकदम बोलते ना फटाकरी सिचुएशन ढूंढ के निकाली है कि ये मैच को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि WWE वाले गाइस द रॉक को उनका रिटर्न मैच हराएगा, मुझे याद है
गाइस, तभी द रॉक वर्सेस रोमन रेंज भी ऑफिशियल हुआ था रेसलमेनिया 40 के लिए थोड़ा थोड़ा, तभी गाइस रिपोर्ट्स आ रहे थे कि द रॉक पॉसिबली रोमन रेंज को हराते हुए दिख सकते हैं रेसलमेनिया 40 में, वो भी चैंपियनशिप के लिए। इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ी देर द रॉक को गाइस उनके रिटर्न मैच में ही हरा देगी, जो कि हमारे द रॉक है गाइस, वो भी गाइस अभी जो WWE वाले के जो सब ऐसे स्टोरी लाइन के जो चीज है गाइस, वो उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे बहुत डाल रहे हैं, जैसे कि गाइस उनको जो पूरे मेन स्ट्रीम की ऑडियंस है जो गाइस मूवीज देखती है WWE नहीं देखती गाइस, वो लोग भी अभी द रॉक के ऊपर उनके निगराए रख रहे हैं कि अभी द रॉक का क्या होगा। वैसे द रॉक गाइस इतना गाइस मैच हाइप करके वो मैच हार रहे थे, गाइस उनकी इज्जत जो है गाइस द रॉक की बहुत ही कम हो जाएगी, और जो फैंस है गाइस जो मेन स्ट्रीम के, तो रॉक का मजाक उड़ रहा है कि बंदा उनका पहला मैच ही हार गया। और समझो भी आप गाइस द रॉक फिर क्या उम्मीद से फेस करते हुए देख सकते हैं नेक्स्ट टाइम कोई भी उनका अगेंस्ट स्टार होगा, क्या पता रोमन रेंज, कोई रोज, कोई भी। इसलिए मुझे लगता है कि मैच में हमारे को रोमन रेंज और रॉक हारने वाला होगा। टीम भी कितनी बड़ी लग रही है द रॉक एंड रोमन रेंज, इसलिए मेरे प्रेडिक्शन होने वाली है कि जो कि हमारे द पीपल्स चैंपियन द रॉक और हमारे अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन रोमन रेंज है गाइस, ये मैच में जीतते हुए दिखने वाला है, और सक्सेसफुली ये मैच के बाद फिर रेसलमेनिया 14 में पूरी ब्लड लाइन इन्वॉल्व होने वाली है नाइट 2 पे। तो गाइस नंबर 1 पे तो हम लोग बात करने वाले हैं नाइट 2 के मेन इवेंट मैच के बारे में, जो कि होने वाला है फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप बिटवीन चैंपियन द ट्राइबल चीफ द हेयर ऑफ द टेबल रोमन रेंस वर्सेस द अमेरिकन नाइटमेयर रॉयल रंबल 2023 एंड 24 विनर कोडी रोड्स। जैसे कि मैंने आपको बोला है यही एपिसोड में कि हमको जो कि हमारे इधर रॉक एंड रोमन रेंस है गाइस, जो नाइट 1 का टैग टीम मैच होने वाला है जिसमें स्टिपुलेशन होने वाली है कि ब्लड लाइन के ऊपर, तो गाइस वो के अकॉर्डिंग गाइस ये मैच में जो रोमन वर्सेस कोडी है गाइस, इसमें गाइस हमको ब्लड लाइन इन्वॉल्व होते हुए दिखने वाली है। लेकिन गाइस मुझे लगता है कि इसमें मैच में एक ट्विस्ट होते हुए दिखने वाला है गाइस, अभी मुझे सर देख के लग रहा है कि जो कोडी रोड्स और द रॉक है गाइस, वो रोमन रेंज के साथ एक बहुत ही बड़ा गेम खेल रहे हैं गाइस। जैसे कि गाइस कोडी रोड्स ने गाइस बोला था रोमन रेंज को कि मैं सिर्फ तेरे से चैंपियनशिप नहीं लेने वाला हूं, मैं तेरे से सब कुछ लेने वाला हूं, और वो सब कुछ लेने के लिए गाइस कोडी रोड्स को एक ही बंदे की मदद चाहिए रही, जो कि है द रॉक। गाइस द रॉक रोमन के ऊपर आते हैं, और मुझे शॉकिंग लगा इसमें क्या देखा स्मैकडाउन में, गाइस द रॉक ने रोमन रेंज को एक्नॉलेज भी किया एज अ ट्राइबल चीफ। तो गाइस द रॉक का ईगो बहुत ही हर्ट करता है कि गाइस बंदा इतना बड़ा स्टार है और आखिर रोमन रेंज को एक्नॉलेज कर रहा है, जो कि गाइस द रॉक रोमन रेंज से 10 गुना बड़ा स्टार है, और गाइस पॉसिबली यही चीज हमको लीड करते हुए दिखने वाली है द रॉक के अल्टीमेट हेल्प ऑफ कोडी रोड्स। गाइस जैसे कि द रॉक ने बोला कि ये नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच होने वाला है, तो पॉसिबली गाइस द रॉक ही हमको ये मैच में कोडी रोड्स की मदद करते हुए देख सकते हैं अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने में। गाइस जैसे कि आप सबको पता है कि गाइस जो कि हमारे द रॉक है गाइस, उनको सब लोग ऐसे एक बड़ा स्टार मानते हैं, और जब से गाइस द रॉक ने रोमन रेंज को एक्नॉलेज किया है, बहुत लोगों को लग रहा है कि अभी द रॉक रोमन रेंज के नीचे आ रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूँ कि ये द रॉक है, कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है जैसे कि जिमी उसो या सोलो सिको या जे उसो, ये द रॉक है, और ये शांत नहीं बैठने वाला है, तभी से इसने रोमन रेंज को एक्नॉलेज किया एज द ट्राइबल चीफ। तो आप समझ ही लो कि हमको ये मैच में अभी पॉसिबली द रॉक कोडी रोड्स की मदद करते हुए देख सकते हैं पूरे WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतेंगे, तभी तो रॉक रोमन रेंज की अगेंस्ट कोडी रोड्स की मदद करेगा, तभी गाइस पॉसिबली रोमन रेंज की मदद करने गाइस दो लोग आ सकते हैं, जिसमें दोनों नाम निकल गया था कि इधर जे उसो वो हो सकते हैं नहीं तो सेट फ्रीकिंग रॉलिंस। गाइस आप बिल्कुल सही सुन रहे हो गाइस, जे उसो नहीं तो सेट रॉलिंस, गाइस रूमर्स आ रहे हैं कि पॉसिबली गाइस हमको रोमन रेंज की मदद करते हुए देख सकते हैं। अभी मैं आपको दोनों रीजन बताता हूं, गाइस पहला गाइस सेट रॉलिंस का क्या है, गाइस गाइस थोड़ा गुस्सा रहेगा कोडी रोड्स के होकर, अगर आपको याद रहेगा कि तभी गाइस रॉ आफ्टर रॉयल रंबल तभी गाइस सेथ रॉलिंस ने कोडी रोड्स को बोला था कि हमको वर्ल्ड इवेंट चैंपियनशिप को मेन इवेंट में डालना है, तो तू प्लीज मेरे को चूज कर रेसलमेनिया 40 में। लेकिन फिर भी जाकर गाइस कोडी रोड्स ने सेथ रॉलिंस की बात नहीं मानी, उन्होंने रोमन रेंज को पिक किया फॉर रेसलमेनिया 40, और जो जे हो सका था वो पता है कि वो रोमन रेंज के भाई है, तो पॉसिबली गाइस वो भी उनका हील टर्न करते हुए दिख सकते हैं, दोनों स्टार्स के अच्छे चांसेस बनते हैं। लेकिन मुझे लगता है इवेंचुअली गाइस हमको कोडी रोड्स गाइस चैंपियन वर्कआउट करते हुए देखने वाले हैं एट रेसलमेनिया 40, इसलिए मेरी प्रेडिक्शन रहने वाले कि जो कि हमारे अमेरिकन नाइट में कोडी रोड से गाइस रेसलमेनिया 40 में डिथ्रोन करते हुए देखने वाले हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज को, और बनने वाले हैं फाइनली वो बंदा जो कि रोमन रेंज को हरा के बनेगा था न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। और गाइस अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक, और गाइस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिले।